नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 6वें प्रश्न पत्र योग शिक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान का टॉपिक है। इसमें चारों इकाइयां हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आसन के प्रकार बताए गए हैं सात। शीर्षासन है सिर के बल किया जाने वाला आसन। योगासन योग की मानी जाती है प्रथम सीढ़ी। योगासन से स्वस्थ रहते हैं शरीर और मन दोनों। शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि होती है योग द्वारा। मन की शुद्धि होती है गुप्त पद्मासन से। सिद्धि प्राप्ति के लिए है सिद्धासन। भुजंगासन है पेट के बल किया जाने वाला आसन। बैठकर किए जाने वाला आसन है वीरासन। इस आसन में शरीर की आकृति पानी में तैरते हुए मगर जैसी लगती है मकर आसन। यह आसन घुटनों, कोहनियों आदि की नाड़ियों में योग्य मात्रा में रक्त संचार करता है वृक्षासन। भोजन करने के पश्चात बैठना चाहिए वज्रासन में। शरीर संवर्धनात्मक आसन है सर्वांगासन। ध्यानात्मक आसन है सिद्धासन। ये सारे आंसर हैं, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इसके रिक्त स्थान। भुजंगासन में भुजंग का अर्थ सांप है। मत्स्यासन पेट के बल किए जाने वाला आसन है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। भोजन के बाद वज्रासन करना चाहिए। वकासन से पाचन तंत्र की कार्य क्षमता बढ़ती है। पेट के रोगों के लिए भूधरासन रामबाण है। सूर्य नमस्कार में चौथा पद अश्वसंचालनासन है। स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता भुजंगासन करने से दूर होती है। गर्भासन बैठकर किए जाने वाला आसन है। सिर के बल किए जाने वाला आसन ऊर्ध्व पद्मासन है। सूर्य नमस्कार एक आसन क्रिया है। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति वृत्ताकार बनती है, इसीलिए इसे वृत्तासन कहा जाता है। सिद्धासन एक ध्यानात्मक प्रकार का आसन है। वृक्षासन में वृक्ष का अर्थ वृक्ष की तरह सीधे खड़े रहना है। सूर्य नमस्कार में भगवान सूर्य नारायण की वंदना होती है। इसके बाद ये सारे इसके उत्तर हैं, मिला लीजिएगा। इसके बाद अगली इकाई है प्राणायाम। इसमें है पहला प्रश्न, प्राणायाम कहते हैं श्वास नियंत्रण को। प्राणायाम के भेद हैं 10। कुंभक का अर्थ है श्वास भीतर रोकना। मानव शरीर में कितने कोष पाए जाते हैं 5। प्राण होते हैं समान। निद्रा एवं जम्हाई लेने का अर्थ है देवदत्त। प्राणायाम योग का अंग है चौथा। उपप्राण है नाग। नेत्रों को खोलने व पलक झपकाने का कार्य है कूर्म। हृदय और नाभि के बीच कौन सा प्राण पाया जाता है समान। संपूर्ण शरीर में कौन सा प्राण व्याप्त है व्यान। शरीर के अपघटन के लिए उत्तरदायी है धनंजय। मृत्यु के तुरंत बाद कार्यशील होता है धनंजय। ऑप्शन नंबर ए। ये शायद गलती से टिक हो गया यहाँ पे, तो ये गलत है। इसके बाद ये सारे आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद रिक्त स्थान। रेचक प्राणायाम का वह भाग है जिसमें श्वास बाहर निकाली जाती है। लघु प्राण उपप्राण को कहा जाता है।
क्षुधा व प्यास कृकर का कार्य है। प्राणों की संख्या कुल 5 होती है। धनंजय मृत्यु के तुरंत बाद कार्यशील होता है। संवेदी ग्राहक अंग जैसे नाक कान आँख को उदान सक्रिय बनाए रखता है। विस्तार या प्रसार आयाम का अर्थ है। प्राणायाम का सामान्य रूप तो श्वासोच्छ्वास है। प्राणायाम में सुषुम्ना इड़ा और पिंगला का बहुत महत्व है। ये तीनों नाड़ियाँ होती हैं। एक क्रमिक गति से सांस का पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम है। इसके बाद ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इकाई नंबर 3 बंध मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं। जालंधर बंध की स्थिति शरीर में कहाँ पर है? कंठ। उड्डयन बंध का संबंध किस ग्रंथि से है? विष्णु ग्रंथि। नेति शुद्धिकरण की विधि है नाशिका। त्राटक से शक्ति विकसित होती है एकाग्रता। आंतों की वायु द्वारा सफाई की जाती है शंख प्रच्छालन वात धौति। यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? 6। उड्डयन बंध की शरीर में स्थिति है उदर। जालंधर बंध का संबंध किस ग्रंथि से है? रुद्र ग्रंथि। नेति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। हस्त मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में हाथों की स्थिति होती है नीचे की ओर। अपान मुद्रा का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार चक्र। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मूल बंध की स्थिति मूलाधार में होती है। उड्डयन बंध का संबंध विष्णु ग्रंथि से होता है। ज्ञान मुद्रा हस्त मुद्रा का एक प्रकार है। आमाशय की जल द्वारा सफाई कुंजल कहलाती है। कपालभाति मस्तिष्क में अग्रभाग को शुद्ध करने की विधि है। महावेद मुद्रा बंध मुद्रा है। चिन्ह शब्द का अर्थ चेतना से है। अपान मुद्रा का संबंध पृथ्वी तत्व से है। पृथ्वी मुद्रा का संबंध सूर्य एवं चंद्र नाड़ी से है। षट कर्म 6 क्रियाओं का योग है। इसके बाद ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। अंतिम इकाई है 4 भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। सही विकल्प चुनकर लिखना है। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। चरक संहिता के प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। रामकृष्ण मिशन संस्थान की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद। विष्णु देवानंद शिष्य थे स्वामी शिवानंद के। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। गोविंदा भागवत पद जी गुरु थे आदि शंकराचार्य के। मत्स्येंद्रनाथ का दूसरा नाम है मानछिंदर नाथ। ब्रह्मर्षि किस योगी को कहा जाता है? महर्षि वशिष्ठ। मत्स्येंद्रनाथ इनमें से किनके गुरु थे? गुरु गोरखनाथ। पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है 196। ये सारे आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अष्टांग योग को ही राजयोग कहा है। योगी भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे व उनकी पत्नी का नाम पिंगला था। गुरु गोरखनाथ हठ योग के आचार्य थे। महर्षि पतंजलि योग सूत्र अष्टाध्यायी एवं आयुर्वेद के रचनाकार हैं। स्वामी शिवानंद जी ने दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। इसके बाद ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। पिछला पेपर आपका कैसा गया ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।